कल्पना, नव ज्योत्सना, नव शक्ति, नव आराधना, नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरी हो आपकी हर मनोकामना। और व्रत के दौरान हमारा खान पान सीमित हो जाता है और सबसे पहले हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नट्स और फ्रूट्स पे डिपेंड होते हैं। हालांकि एक अच्छी बात है कि हम जिस तरीके के ग्रेन्स की खिचड़ी, पूरी, टिक्कियाँ बनाते हैं उनमें आटा और चावल के मुकाबले प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। सप्तमी में हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग प्लान कैसा होगा? इस प्लान से आपको कैलोरी 1500 और प्रोटीन 50 ग्राम प्रोवाइड होगी। तो आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे 10 किशमिश, 5 सोक्ड आलमंड्स और 1 ऑरेंज से। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं सिंघारा आटा, पनीर स्टफ किया हुआ एक पराठा, लौकी की स्ट्यू वाली सब्ज़ी और आप ऑयल यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। मिड मॉर्निंग में 1 पीस कोकोनट, इसके साथ मौसम्बी जूस। लंच में कुट्टू चीला, इसके साथ आप थोड़ा सैलेड लेंगे और 1 कप दही। घी 1 टीस्पून आप इस्तेमाल करेंगे। शाम के समय साबूदाना और मूंगफली की टिक्की। और आखिर में डिनर में आप सामा का पुलाव जिसमें आप आलू और मूंगफली डाल सकते हैं। और इसके बाद आप 1 कप दूध से अपना डिनर रैप अप करेंगे। तो इस तरीके से सप्तमी की समाप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ इस नवरात्रि आप फुल ऑफ एनर्जी से फील करेंगे इस पैटर्न को फॉलो करके। और पग पग में फूल खिले, खुशी आपको इतनी मिले, कभी ना हो दुख का सामना, यही है मेरी मनोकामना। सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।